नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम 2021 के बारे में। ये गाड़ी जो आप लोगों के सामने खड़ी है ये पेट्रोल में है और इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,27,000 रुपये। आज की वीडियो में मैं आपको एक वॉकराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम वेरियंट का और क्या क्या फ़ीचर्स आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो में मैं आपको एक सवाल का जवाब और दे देता हूं कि अगर आप 8-8.5 लाख रुपए के बजट के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी अपने पास चाह रहे हैं, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, तो फोर्ड फ्रीस्टाइल वो गाड़ी हो सकती है। बहुत लोग इस गाड़ी को इग्नोर कर देते हैं, देखने तक नहीं जाते, ना टेस्ट ड्राइव लेते। ये मेरे ख्याल से एक गलती है क्योंकि मार्केट में ये सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, इंजन वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 95 BHP की पावर और 119 Nm का टॉर्क। अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो इसके अंदर दोस्तों आपको टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर मिलते हैं 2 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में कि फ्रंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको दोस्तों यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, उसी के साथ यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। हनीकॉम डिज़ाइन में यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की फ्रंट की ग्रिल्स मिलती हैं। सेंटर में फोर्ड का यहाँ पे आपको लोगो मिलता है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मिलती है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेहतरीन सस्पेंशन किसी और गाड़ी में नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और बात करते हैं और बचे हुए फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको मिलते हैं 185/60 R15 अलॉय व्हील्स। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और ये इस गाड़ी की कंप्लीट साइड प्रोफाइल है जो लुक्स में कुछ ऐसी लगती है आपको देखने में। बॉडी कलर यहाँ पे आपको ORVMs मिल जाते हैं जो कि आपके टर्न इंडिकेटर के साथ अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकली आप इन ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी कलर यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। दोस्तों, रूफ़ में आपको यहाँ पे मिल जाती हैं रूफ़ रेल्स जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ दी गई हैं। एक पावर एंटीना आपको रूफ़ में मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं इस कॉम्पिटिशन की, जो और गाड़ियाँ हैं वो इसके सामने क्यों नहीं टिक पाती। दोस्तों, फोर्ड ने एक गाड़ी काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई थी, वो बात अलग है कि इसकी सेल्स जो है वो कम है, बट अगर आप एक ड्राइविंग प्लेजर चाहते हैं, एक अच्छा सस्पेंशन चाहते हैं, एक अच्छी ब्रेकिंग चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी इसके सामने टिक पाएगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका 8-8.5 लाख रुपये का बजट है तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बैक प्रोफाइल के बारे में दोस्तों बात करते हैं। यहाँ आपको रूफ़ में मिलता है हाई स्टॉप माउंट लैम्प। बैक ग्लास के अंदर आपको कोई भी डीफोगर वाइपर का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलता है टाइटेनियम वेरिएंट में। सिंपल यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं जो कि देखने में काफ़ी नॉर्मल लगती हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको टाइटेनियम की बैजिंग मिल जाती है। बैक बम्पर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और इसी के अंदर आपको यहीं पर मिल जाता है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक और कंपनी इसका जो माइलेज क्लेम करती है हाईवे के ऊपर वो क्लेम करती है 18.5 km/L और सिटी में माइलेज क्लेम करती है 13.5 km/L। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स जो थे ये इस गाड़ी के एक्सटीरियर से रिलेटेड थे। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बात करते हैं इंटीरियर के फ़ीचर्स के बारे में। ये इस गाड़ी की की है, दोनों ही रिमोट की आपको यहाँ पर मिलती हैं। 3 बटन आपको यहाँ पे मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक और 3rd बटन आपको यहाँ पे मिलता है गाड़ी का बूट एक्सेस करने के लिए। तो फिलहाल गाड़ी को करते हैं अनलॉक और बात करते हैं और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड डोर के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। कंप्लीट ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको डोर मिलता है ब्राउन फिनिशिंग के साथ। 4 पावर विंडोज़ यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर मिलती हैं और दोस्तों यहीं पे आपको मिलता है एक स्पीकर। नीचे आपको मिलता है इसके अंदर बोतल होल्डर का स्पेस, यहाँ पे आप आराम से 3 बोतल रख सकते हैं, एक बड़ी बोतल और 2 छोटी बोतल। ये आप अपने यहाँ से इलेक्ट्रिकली ORVMs एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंटीरियर। फ्रंट की दोनों जो यहाँ पर सीट्स आपको मिलती हैं, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और दोस्तों अगर आप इन सीट पर बैठ के चेक करोगे कम्फर्ट, तो फैब्रिक काफ़ी शानदार क्वालिटी का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं गाड़ी के अंदर और अभी बात करते हैं इंटीरियर के और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। इसमें मिलता है आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग और यहां लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे इसमें मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स और आप देख सकते हैं यहाँ स्टेयरिंग पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का जो है वो यूज देखने को मिलता है।
राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये आपका जो यहाँ पे बटन हो गया, ये आपकी गाड़ी का बूट ओपनर हो जाता है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो है वो ऑन कर सकते हैं। ये आपका एसी वेंट हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की एमआईडी के बारे में। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल इसमें आपको एमआईडी मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आरपीएम मीटर मिलता है, सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और राइट हैंड साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है फ्यूल मीटर। और यहीं पे आपको दे रखा है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो कि आपके स्टेयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल है। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है आपको और 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अगर आप इस म्यूजिक सिस्टम का टेस्ट जो है वो देखना चाहते हैं बॉलीवुड और पंजाबी सॉन्ग्स में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी का। आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करके इसके म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके टच के रेस्पॉन्स की बात करूं दोस्तों, तो टच का रेस्पॉन्स एज यूजुअल जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि काफी अच्छा होता है फोर्ड की गाड़ियों में जो आपको टच स्क्रीन मिलती है। ये इस गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, इसकी भी क्वालिटी काफी कुछ अच्छी है जो मैंने आपको एक बार दिखा दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे और कंट्रोल्स के बारे में। तो ये तो आपकी गाड़ी के कुछ फिजिकल नॉब्स हो गए। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का जो है म्यूजिक की वॉल्यूम वगैरह हाई कर सकते हैं। यहाँ पे और आपके सोर्स बटन हो जाते हैं। नीचे आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है मैनुअल एसी, आप देख सकते हैं मैनुअल नॉब्स यहाँ पे मिलती हैं। आपको कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये आपका एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये आपकी ऑक्स कनेक्टिविटी हो गई और यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह आराम से रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि टाइटेनियम वेरिएंट में ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिलता है और काफी ज्यादा स्पेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर का स्पेस है, पीछे आपको एक बड़ी बोतल का स्पेस मिल जाता है। ये सारी चीजें हो गई इसके सेंट्रल कंसोल की। डे नाइट रियर व्यू मिरर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है टाइटेनियम वेरियंट में, जो कि मैनुअल IRVM यहाँ पे मैं कहूंगा इसको। और ये आपको यहाँ पे रूफ में लाइट मिल जाती है। और अगर बात करें को पैसेंजर साइड की, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है और फिक्स आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स ऑफर करे गए हैं। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है दोस्तों। एक बार मैं आपको इसका ग्लोब बॉक्स भी चेक करा देता हूँ। ये इसका ग्लोब बॉक्स है, काफी अच्छे साइज का है, डिसेंट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है। अब दोस्तों ये सारी चीजें तो हो गई इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब चल के बैठते हैं गाड़ी की रियर सीट पे। अभी जो मेरी ड्राइवर साइड सीट है उसको मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं और फिर रियर सीट पे बैठ के बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी का रियर डोर। तो ये यहाँ पर आपका रियर डोर है, ये आपकी पावर विंडो का स्विच हो जाता है। नीचे आपको इसमें एक स्पीकर मिलता है। एक बार मैं आपको कंप्लीट इसकी फिनिशिंग भी दिखा देता हूँ। रियर सीट पर आपको पीछे दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। अब आ चुका हूं मैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं स्पेस के बारे में। तो मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो इतना नी रूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है और काफी अच्छा लेग रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो रियर सीट का रिक्लाइन एंगल है दोस्तों वो काफी शानदार है, काफी कंफर्टेबल ये सीट मुझे लग रही है और अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। पीछे आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, ना ही कोई मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और दोस्तों अगर स्पेस की बात करी जाए, तो जैसे कि आपको पता ही है कि गाड़ी की जो चौड़ाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 2 अडल्ट और 1 छोटा बच्चा ही आराम से बैठ पाएंगे। पीछे भी आपको दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं फिक्स ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे आपको कोल्ड होल्डर भी मिल जाता है, जो कि दोनों साइड ही आपको सेम मिल जाता है। और सबसे मेन चीज कि गाड़ी में ऊपर मुझे हेडरूम कितना मिलता है, कहीं मेरा जो सर है वो टकराता तो नहीं है इसकी रूफ से, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी डिसेंट यहाँ पे मुझे हेडरूम मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके बूट की तरफ और बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में कि कैसा कुछ बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर करती है फोर्ड फ्रीस्टाइल। तो अगर आपको इस गाड़ी का बूट एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, आप इसको प्रेस करेंगे उसके बाद आप अपनी गाड़ी का जो है वो बूट इजीली एक्सेस कर पाएंगे। पीछे आपको कोई भी यहाँ पे बटन नहीं मिलता है दोस्तों। फोर्ड फ्रीस्टाइल के अंदर आपको मिलता है 257 लीटर का बूट स्पेस। रियर पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, तो ये कुछ स्पेस है जो आपको यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके स्टेपनी का टायर कि किस प्रोफाइल का यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। स्पेयर में जो आपको एक टायर मिलता है, ये एक प्रोफाइल छोटा टायर है और इसका साइज है 175/65 R14।
तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको गाड़ी के सारे फीचर्स बता दिए हैं, इंटीरियर के भी और एक्सटीरियर के भी। मैंने जो आपको शुरुआत में एक एडवाइस दी थी वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।